राम भारत संकट में है। आकाश सुने, पाताल सुने, मैं सूर्यवंशी रामचंद्र प्रण करता हूं कि पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करवाऊंगा। मनुष्यता का ये दुर्भाग्य रहा है कि कई बार शक्तियां अशुभ के हाथों में गई हैं। ज्ञान इसी में है कि शक्तियां शुभ के हाथ में जाए। छह सौ करोड़ के बजट में बनाई गई थी फिल्म आदि पुरुष और अब 800 और 1000 करोड़ के बीच में बनाई जा रही है फिल्म रामायण। नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में काफी कुछ नया और दिलचस्प देखने को आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि काफी वक्त से नितेश तिवारी के रामायण को लेकर बातें सामने आ रही थी, जहां ये तो साफ था कि भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर नजर आएंगे, लेकिन सीता के किरदार में आलिया भट्ट का नाम सामने आ रहा था। पर अब पब्लिक की डिमांड पर साई पल्लवी का नाम कन्फर्म कर लिया गया है। जी हां, रणबीर के साथ माता सीता के किरदार में साई पल्लवी नजर आएंगी और रावण के किरदार में जहां पर ऋतिक रोशन का नाम लिया जा रहा था, तो वहीं अब फाइनल किया गया है बॉलीवुड के रॉकी भाई यानी कि एक्टर यश का नाम। खबरें हैं कि रणबीर कपूर और साई पल्लवी साल 2024 की शुरुआत में रामायण की शूटिंग करेंगे। KGF स्टार यश भी रणबीर कपूर और साई पल्लवी की रामायण में एक इम्पोर्टेंट रोल में है। खबरें सामने आ रही है कि नितेश तिवारी इस फिल्म को काफी शानदार तरीके से बनाने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये भारत का महाकाव्य है और इस पर फिल्म बनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं इस प्रोजेक्ट को शानदार तरीके से पैन इंडिया प्रेजेंट करना चाहता हूं, जहां लोग हमारी रामायण को काफी ज्यादा इमोशनली कनेक्ट करके देख पाए। बता दें कि 2024 में रणबीर कपूर और साई पल्लवी के साथ यश भी इस फिल्म का हिस्सा बनेंगे और इस फिल्म में कई सारे ऐसे किरदार भी होने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। हालांकि नितेश तिवारी ने अभी तक फिल्म को लेकर सारी अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये जरूर इशारा कर दिया है कि ये फिल्म भव्य तरीके से पेश की जाने वाली है बड़े पर्दे पर। और साथ ही साथ ये फिल्म 3 भागों में डिवाइड होगी, जहां पर पहले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ सीता पर और भगवान राम पर फोकस किया जाएगा, उनकी प्रेम कहानी दिखाई जाएगी, वनवास तक पहुंचने का उनका पूरी वो जर्नी दिखाई जाएगी और इसके बाद आखिर के 10-15 मिनट में दिखाया जाने वाला है रावण के किरदार, जहां वो सीता हरण करता है और उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से सीता हरण करने के बाद रावण सीता से पेश आया और उसने अशोक वाटिका में उनके साथ कैसा बर्ताव किया। थर्ड पार्ट में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से राम और वानर सेना मिलकर सीता को बचाते हैं। जी हां दोस्तों, आपको काफी कुछ नया और इंटरेस्टिंग इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। फिल्म रामायण को नितेश तिवारी बड़े ही शानदार तरीके से पेश करने वाले हैं और इस फिल्म का बजट भी काफी शानदार बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, फिल्म के VFX ऑस्कर विनिंग कंपनी बनाने वाली है, जिससे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि ये फिल्म बजट के साथ साथ एक बड़ी स्टार कास्ट को भी पर्दे पर इंट्रोड्यूस कर रही है। लाल आप क्या कहेंगे नितेश तिवारी के इस अपकमिंग फिल्म पर? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।